आज की वीडियो में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए 6 तरह के फॉर्म्स डिज़ाइन किए हैं। ये फॉर्म्स पूरे प्रोजेक्ट साइकिल की स्टेप बाई स्टेप रिपोर्टिंग और रहनुमाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन फॉर्म्स को हम PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 और PC6 कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके ये फॉर्म समझते हैं। सबसे पहले हम PC1 समझते हैं। PC1 स्टैंड फॉर प्लानिंग कमीशन फॉर्म 1। ये बेसिकली प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें प्रोजेक्ट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन इसको एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोजेक्ट को, इसके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस पर कितना कॉस्ट आएगा और इसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। इस फॉर्म में ये भी बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन से टूल्स और इक्विपमेंट दरकार होंगे और इन टूल्स और इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट हम किस तरह करेंगे। ये भी बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना स्टाफ दरकार होगा और इनका हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होगा और इनको किस तरह रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, अब हम PC2 को समझते हैं। PC2 स्टैंड फॉर प्लानिंग कमीशन फॉर्म 2। ठीक है, ये बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडीज है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो उससे पहले उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाती है और उस फिजिबिलिटी स्टडी को PC2 फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट के बारे में जो बुनियादी मालूमात है वो दी जाती है और ये बताया जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल है, यानी जिस मकाम पर हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्या वहाँ पे रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, रोड, गैस, टेलीफोन वगैरह, आने जाने का रास्ता, और इसके लिए जो फाइनेंसिंग दरकार है क्या वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जा सकती है या नहीं, ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है या नहीं, यानी इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने और इसको ऑपरेट करने के लिए हमें जो टेक्निकल एक्सपर्टी चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट की जाती है प्रोजेक्ट PC2 में। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट PC3। ठीक है, तो PC3 स्टैंड फॉर प्लानिंग कमीशन फॉर्म 3। ये बेसिकली इस फॉर्म के थ्रू मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट किया जाता है एक प्रोजेक्ट के मुताले। इसमें ये बताया जाता है कि प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड एलोकेटेड है, कितना रिलीज हुआ है और कितना फंड यूटिलाइज हुआ है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट PC1 में जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट किए गए थे, क्या उन इंडिकेटर्स की अटेनमेंट हो रही है या नहीं, और इन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अटेनमेंट में कौन कौन से बॉटलनेक या शॉर्टकमिंग्स है और इन बॉटलनेक और शॉर्टकमिंग पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट होती है PC3 में। अब हम PC4 को समझते हैं। तो PC4 स्टैंड्स फॉर प्लानिंग कमीशन फॉर्म 4। ये बेसिकली प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद प्रोजेक्ट की कंप्लीशन रिपोर्ट मुरतब करने के लिए यूटिलाइज होता है। इस फॉर्म में हमें ये बताया जाता है कि प्रोजेक्ट के लिए कितने फंड्स एलोकेटेड थे, कितने फंड्स रिलीज हुए और फिर इन फंड को किस तरह यूटिलाइज किया गया, इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और क्या इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया गया या नहीं, क्या इस प्रोजेक्ट के लिए कोई डिजिग्नेटेड अकाउंट्स बनाए गए थे या नहीं, अगर बनाए गए थे तो उन अकाउंट्स में अवेलेबल फंड्स की क्या डिटेल है, क्या इस प्रोजेक्ट की से कोई रेवेन्यू जनरेशन होगी, अगर होगी तो क्या उसकी एस्टिमेट्स क्या है, और क्या इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए फ्यूचर में इसकी कोई रिकरिंग कॉस्ट होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो उसके एस्टिमेट्स क्या है। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होती है PC4 में। अब हम PC5 को समझते हैं। PC5 स्टैंड्स फॉर प्लानिंग कमीशन फॉर्म 5। हर प्रोजेक्ट के कुछ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो फिर हर साल उसकी रिपोर्टिंग होती है और उस रिपोर्टिंग में ये बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और उन ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ तक हासिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ रिपोर्ट होती है PC5 में, जबकि PC6 में सिर्फ रिपोर्ट होता है एक्टिविटी चार्ट, यानी फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के जो कंप्लीट हुआ है फ्यूचर में इसकी एक्टिविटीज क्या होगी, ये सारी डिटेल्स PC6 में दी जाती है। तो उम्मीद है आप प्लानिंग कमीशन के फॉर्म्स को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।